हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हम देख रहे हैं वीडियो गांधी वर्सेस नेताजी बोस, हु मेड इंडिया इंडिपेंडेंट। वैसे काफ़ी इस टाइप की बातें होती हैं, डिबेट होती है कि भाई कौन एक्चुअली में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, या ये इंडिपेंडेंस किसकी वजह से मिली। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी भारत में यह सवाल उठता है कि भारत को आजादी कैसे मिली, तो सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, गांधी जी। महात्मा गांधी वाज नोन फॉर हिज कैंपेन्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस सेंटर्ड अराउंड नॉन वायलेंस। His leadership helped India gain independence after nearly a century of British rule. He led a peaceful resistance movement to free India from British rule. Gandhi was able to use non-violence to undermine the colonial regime. Gandhi became known worldwide and the British began to lose their grip on India. आजादी के 70 सालों तक हमें यही सिखाया गया है और हम यही मानते हुए आए हैं। यही एग्जैक्ट स्टोरी बताते हुए बड़ी बड़ी ऑस्कर विनिंग फिल्में भी बन चुकी हैं। Gandhi. Ben Kingsley and Gandhi. The winner is Richard Attenborough for Gandhi. कि बेसिकली हमने पोलाइटली अंग्रेजों से रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज देश छोड़ के चले जाइए, और अंग्रेजों ने बोला अच्छा ठीक है, तू भी तब प्यार से बोलता है तो हम चले जाता है, बस रोना बंद करो प्लीज। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये कहानी जो हमें सिखाई गई है वो वैसे ही गलत है जैसे बिना पूरी और अचार के आलू की सब्जी खाना गलत है। India's becoming free has to do more with Subhash Chandra Bose than anybody else. What if I told you कि हमें हमारी आजादी गांधी जी और कांग्रेस के सत्याग्रह और एक्सट्रीम नॉन वायलेंस की वजह से नहीं, बल्कि हमारे रेवोल्यूशनरीज, खासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की वजह से मिली है। एक सेक्युलर प्रणाम। तो जैसा मैंने कहा कि हमें हमेशा ये सिखाया गया है हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में कि हमें हमारी आजादी गांधी जी और कांग्रेस के सत्याग्रह और एक्सट्रीम नॉन वायलेंस की वजह से मिली है। उनकी अहिंसा देख के अंग्रेजों का दिल एंटार्क्टिका के पोलर आइस कैप्स की तरफ पिघल गया, वो मुन्ना भाई के झाड़ू वाले चाचा की तरह रो पड़े और भारत छोड़कर चले गए। गांधी जी ने इतिहास को देखा था और उनका मानना था कि यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, रशियन रेवोल्यूशन हुई, दोनों वायलेंट रेवोल्यूशन थी। उन्होंने अपनी मोनार्की को तो ओवरथ्रो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो आया वो कुछ अच्छा नहीं था। उसके बाद से फिर से डिक्टेटरशिप की प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि वायलेंस के रिस्पांस में अगर वायलेंस किया जाएगा तो सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा, उनका ये मानना था। अगर हमें सही में लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन चाहिए तो वो नॉन वायलेंस से ही अचीव किया जा सकता है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन नहीं अचीव कर पाई। अब देखिए, मैं गांधी जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, जो काम, जो बलिदान उन्होंने इस देश के लिए दिया है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहानी सच नहीं है। और ये कहानी क्यों सच नहीं है उसको समझने के पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भारत को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए क्या सही कदम है, उसमें गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। क्योंकि देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी टेक्स्ट बुक्स ने नेताजी बोस के कंट्रीब्यूशन को वैसे ही इग्नोर किया है जैसे कम्युनिस्ट उमर खालिद सीए प्रोटेस्ट के समय पर अपने एथीइज्म को इग्नोर करते हैं। हम सब ये जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा और एक्सट्रीम नॉन वायलेंस से भारत को आजादी दिलाना चाहते थे। उनको एक्सट्रीम अहिंसा से इतना प्यार था कि उन्होंने पूरे देश में चल रही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चौरी चौरा के एक वायलेंट इंसिडेंट की वजह से पूरे देश में कैंसिल कर दिया। लेकिन नॉन वायलेंस से इतना प्यार होने के बावजूद गांधी जी ने वर्ल्ड वॉर टू के समय पे सारे इंडियंस को बोला कि आप ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करके अंग्रेजों के लिए वर्ल्ड वॉर टू जंग लड़िए। यार, गांधी जी उस लड़की से भी ज्यादा मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं जिस लड़की को आप इस समय पर इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं। Sand. और गांधी जी की आइडियोलॉजी के कंपैरिजन में नेताजी बोस ये मानते थे कि हिंदुस्तानियों से हिंसा और बिना उनकी शक्ति देखे अंग्रेज भीख में हमको आजादी देकर चले नहीं जाएंगे। और गांधी जी और नेताजी के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी वो नेताजी बोस पर बनी फिल्मों में भी दिखाई गई है। क्या आपको नहीं लगता कि विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा? गलत है, दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। कौन बोलता भैया? फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। फिर तो तुम हाथों में तुम कोई वो लेके खत्म कर देगा। बदले में हमें क्या मिला बाबू? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इस बार भी अगर हम चूक गए बाबू तो शिकंजा इस कदर कस जाएगा
कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। नेताजी बोस के पेरेंट्स माँ दुर्गा की आराधना करते थे। नेताजी महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए थे। उन्होंने वेदों और उपनिषद से सीखें ली थी। वो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे गुरुओं से इंस्पायर हुए थे। नेताजी हमेशा साथ में भगवद गीता रखते थे और उनका मानना था कि भगवद गीता सभी लोगों को ये सिखाती है कि अन्याय से लड़ने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए कभी कभी हथियार उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। हम तुम्हें काम क्यों नहीं करते? बापू से कहो कि अंग्रेजों को समझाए कि वर्ल्ड वॉर टू अहिंसा के मार्ग पर चल के जीत ले। ये सारी अहिंसा हम हिंदुस्तानियों के लिए क्यों है? मेरे कुछ लड़ाई ना सिर्फ अहिंसा से नहीं जीती जाती। बापू कभी नहीं मानेंगे, कांग्रेस नहीं मानेगी। नेताजी बोस गांधी जी से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रंट्स पे भी डिसएग्री करते थे। गांधी जी कॉटेज इंडस्ट्रीज चाहते थे, बल्कि नेताजी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को मिक्स करके देश का मास इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते थे। लेकिन जहां तक इंडिपेंडेंस को कैसे पाया जाए उसकी बात है, उसमें हम देख सकते हैं कि क्लियरली गांधी जी और नेताजी बोस में फंडामेंटल डिफरेंसेस थे। तो उन डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि गांधी जी की अहिंसा की वजह से हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली है? क्या मैंने चढ़ा रखी है? हाँ, लेकिन उसका देखिए इस वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए मैं ये आर्गुमेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर हम 1942 और 1947 के बीच में इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करें तो बेसिक फैक्ट्स हमें कुछ और ही कहानी बताते हैं। क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस का जो बड़ा मूवमेंट था अंग्रेजों को भारत से निकालने का, वो था 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में ही शुरू होके फेल होके खत्म भी हो गया। अगर गांधी जी और कांग्रेस के क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से भारत को आजादी मिली होती तो अंग्रेज 1942 में ही भारत छोड़ के क्यों नहीं चले गए? उल्टा भारत को ससुराल समझ के एक्स्ट्रा 5 साल बैठ के 1947 में क्यों गए? क्योंकि देखिए 1942 और 1947 के बीच में दो इम्पोर्टेंट चीजें हुई। पहला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज को दोबारा बनाया और भारत माता को आजादी दिलाने की घोषणा करके अंग्रेजों पर युद्ध का ऐलान भी कर दिया। और 1943 से 1945 तक अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज ने कई युद्ध भी लड़े। और युद्ध खत्म होने के बाद 1945 और 1946 में अंग्रेजों ने इंडियन नेशनल आर्मी के कैप्चर किए गए ऑफिसर्स को रेड फोर्ट पे पब्लिकली ट्राई किया, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया और पब्लिकली सजा दी। अंग्रेजों को लगा कि अगर इस तरह से पब्लिकली इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स को सजा दी जाएगी तो इंडियंस ऑफिसर्स को देशद्रोही की तरह देखेंगे और अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अंग्रेजों की ये चाल भी भारत जोड़ो यात्रा की तरह उल्टी पड़ गई, यानी सारा फायदा दुश्मन को हो गया। फिलिप मेसन के मुताबिक, जो कि 1946 में इंग्लिश वॉर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, इंडियंस इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स को देशद्रोही नहीं बल्कि देशभक्तों की तरह देखने लगे। इंडियंस ने देखा कि इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स अंग्रेजी घुसपैठियों के खिलाफ जंग लड़के भारत माता को आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन निराज चौधरी, इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स के पब्लिक ट्रायल को देखकर देश में इतना गुस्सा आया कि देश के अलग अलग कोनों में दंगे होने लगे। हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के फेल होने के बाद कांग्रेस की हालत काफी खस्ता थी और कांग्रेस की पॉपुलैरिटी इंडिया की जनता में भी बहुत कम हो गई थी। और कांग्रेस ने देखा कि इंडिया के लोगों में इंडियन नेशनल आर्मी के लिए कितना सपोर्ट है, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट करना शुरू करते हैं तो पब्लिक की आंखों में हमारे लिए भी सपोर्ट बढ़ जाएगा। और उन्होंने यही किया और वो इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट करके खुद सत्ता के करीब आए। दूसरी बड़ी चीज ये हुई कि इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स सर्व कर रहे थे उनके दिल में भी ब्रिटिश के लिए लॉयल्टी खत्म होने लगी। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन सुमित सरकार, जब ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सोल्जर्स INA के ऑफिसर से लड़ रहे थे, INA के ऑफिसर्स को मार रहे थे जो कि खुद इंडियंस ही थे, इसको देखकर ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सोल्जर्स के दिल में भी ब्रिटिश के लिए लॉयल्टी खत्म होने लगी और ब्रिटिश के लिए गुस्सा पैदा होने लगा। और इस गुस्से का रिजल्ट हमने फाइनली 1946 में देखा, जब फरवरी में जिस समय पर INA ऑफिसर्स के पब्लिक ट्रायल्स रेड फोर्ट पर चल रहे थे उस समय रॉयल इंडियन नेवी में एक बड़ी बगावत शुरू हो गई। जो लोग बगावत कर रहे थे उन्होंने नेताजी बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के सपोर्ट में स्लोगन्स लगाए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड की थी कि जिन इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स के ट्रायल्स हो रहे हैं उनको बाइज्जत बरी किया जाए। और नेवी की ये जो बगावत थी इसको पूरे देश के लोगों से भी सपोर्ट मिलने लगा। जो सिविलियंस थे दे स्टॉप्ड ओबेइंग द ब्रिटिश ऑर्डर्स, फिर उनको आर्मी को लाना पड़ा। सिविलियंस पर फायरिंग हुई मुंबई में, कराची में, विशाखापट्टनम में और ये बगावत धीरे धीरे आर्म फोर्सेस के दूसरे ब्रांचेस में भी फैलने लगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को खबर आने लगी कि अलग अलग गैरिसन्स में, फॉर एग्जांपल मद्रास और पुणे गैरिसन्स में तो इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऑर्डर मानने से ही इनकार कर दिया। पीटर फे और सुमित सरकार के मुताबिक जो पब्लिक ट्रायल्स हो रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी के, वो ट्रायल्स बेसिकली 1945 में इंडिपेंडेंस का भारत के लोगों में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन बन गया। ब्रिटिश हिस्टोरियन क्रिस्टोफर बेली के मुताबिक इंडियन नेशनल आर्मी हारने के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे घातक दुश्मन बन गई, यानी वो हार के भी जीत
गए। बेसिकली शाहरुख खान के बाजीगर बनने के कई साल पहले नेताजी बोस ऑलरेडी बाजीगर बन चुके थे। इनफैक्ट इस बात को खुद गांधी जी ने भी एक्नॉलेज किया कि नेताजी बोस और इंडियन नेशनल आर्मी ने पूरे देश में इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक नया मोटिवेशन दे दिया है। और इन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोगों ने भी एक्नॉलेज किया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्लियरली नेताजी बोस और इंडियन नेशनल आर्मी को क्रेडिट दिया है भारत की इंडिपेंडेंस का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर in his last interview and it was he gave to the BBC to Francis Watson, Baba Saheb Ambedkar has touched upon this point with how and why India became free, and he also said that Gandhi's role was almost negligible, British were not much troubled by the cult of Ahimsa, and obviously, the reason they left is because of Subhash Bose and because Netaji caused rumblings within the Indian armed forces, and that's why they decided that they could no longer control this country because The armed forces were not on their side. एक और बड़ा प्रूफ आता है क्लेमेंट एटली से, जो कि जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। जब वो एक बार इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे उस समय एक इंडियन जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, Why did you leave the country? Yeah. Because the Quit India movement had failed in 42 and but you left in 46, 47. Why did you leave suddenly and why, what was the main reason? तब उन्होंने कहा, Because of Subhash Bose and because of Subhash Bose there was a near revolt in the armed forces and that's why they left this country. वरुण देव जो कि एक और रिस्पेक्टेड हिस्टोरियन है इंडिया के, उन्होंने भी क्लेमेंट एटली से यही सवाल पूछा और क्लेमेंट एटली ने एग्जैक्टली यही जवाब दिया कि भारतीय इंडिपेंडेंस के लिए नेताजी बोस और इंडियन नेशनल आर्मी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो 1942 और 1947 के बीच की अगर हम हिस्ट्री देखें, फैक्ट्स देखें, तो उससे काफी क्लियर हो जाता है कि नेताजी बोस और इंडियन नेशनल आर्मी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गांधी जी या कांग्रेस से कहीं ज्यादा बड़ा हाथ था इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेताजी बोस और INA को सपोर्ट करके इंडिपेंडेंस पाने के बाद और सत्ता पाने के बाद कांग्रेस ने नेताजी को कटप्पा की तरह ही धोखा दे दिया बेसिकली। तो इंडिपेंडेंस के बाद पावर में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने सारे टेक्स्ट बुक्स में सारे मीडिया में ये सिखाना शुरू कर दिया कि गांधी जी और कांग्रेस के अहिंसा और एक्सट्रीम नॉन वायलेंस की वजह से भारत को इंडिपेंडेंस मिला है। शायद उन्हें लगा होगा कि अगर पूरे इंडिया को ये पता चल जाता है कि नेताजी बोस और इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिली है तो हम दशकों तक कैसे राज करेंगे इस देश में। लोग हमसे पूछने लगेंगे कि आप और आपके बच्चे इस कुर्सी पर ऐसे क्यों बैठे हुए हैं जैसे शादी के बाद आपको ससुर जी से गिफ्ट में मिली हो। ये तो वही सिचुएशन है ना कि भाई कोविड के बाद मूवी सिनेमास को रिवाइव किया KGF, RRR, कांतरा और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों ने, लेकिन सारा क्रेडिट लोग दे रहे हैं पठान फिल्म को। इसलिए मैं कहता हूँ कि नेताजी बोस और इंडियन नेशनल आर्मी ने इंडिया की पॉपुलेशन को इंस्पायर करके और इंडियन आर्म फोर्सेस में बगावत की फीलिंग पैदा करके भारत को इंडिपेंडेंस दिलाया था अंग्रेजों से। और एक और पॉइंट मैं डालना चाहता हूँ कि अगर गांधी जी की नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी इतनी ही पावरफुल है तो देश के आजाद होने के इतने सालों तक हमने कभी इस देश में उस आइडियोलॉजी को फॉलो क्यों नहीं किया है। अपने आप में बोलना कि हम लोग धरने में बैठे थे और अंग्रेज चले गए, अरे भैया अहिंसा से तो दिल्ली में आपका किरायेदार मकान नहीं छोड़ता। आजाद भारत में गांधी जी का रास्ता कब हम लोगों ने फॉलो किया? हमने कब फॉलो किया? क्या हमने कश्मीर में फॉलो किया? क्या हमने मणिपुर में फॉलो किया? क्या हमने गोवा में फॉलो किया? तो क्या ये बेकार के ढकोसते सुबह शाम आप दे रहे हो कि शांति के रास्ते पे सारा काम हो जाएगा और गांधी जी को आप गलत से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तक कि गांधी जी के सबसे बड़े सपोर्टर भी लेफ्ट विंग पे इस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते। जब CEA के प्रोटेस्ट हुए थे तो वो शुरू हुए अहिंसा से और खत्म हुए दंगों से। जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था वो शुरू हुआ अहिंसा से, खत्म हुआ दंगों से। तो जब हम खुद ही गांधी जी के एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को नहीं मानते हैं तो घंटा अंग्रेज मानेंगे। और इसलिए आज गवर्नमेंट जो कदम ले रही है उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि आज आजादी के ऑलमोस्ट 75 सालों के बाद हम अपने देश में नेताजी बोस के कॉन्ट्रीब्यूशंस को सही मायने में क्रेडिट दे रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट ने हाल में ही नेताजी का एक स्टैचू इंडिया के सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक के पास इंडिया की पार्लियामेंट बिल्डिंग के पास में लगवाया है, ताकि सारे भारत को आज से लेके हमेशा तक ये याद रहे कि हमारे देश को आजादी किसके बलिदान से मिली थी और किस तरह मिली थी। क्योंकि याद रखे, हमारे देश का कल्चर ये मानता है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये भी मानता है कि धर्म हिंसा तथैव च। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस वीडियो से एग्री करते हैं? क्या आप भी ये मानते हैं कि नेताजी बोस और इंडियन नेशनल आर्मी का गांधी जी और कांग्रेस से कहीं ज्यादा बड़ा हाथ था भारत को इंडिपेंडेंस दिलाने में? हाँ या ना, आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इंडिया के सबसे टॉप रेसलर्स इस समय पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप हमारा लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। बाकी अगर आप शाम शर्मा शो का लेटेस्ट मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो के मक क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो का मक क्लब भी ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड अपना यार, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है
और इससे जो मिसकंसेप्शंस हैं हम सबके, क्योंकि बचपन से वो सुन रहे हैं, हर जगह ही सुनते हैं कि आजादी किससे कहा, किसने दिलवाई जी, गांधी जी ने, वो ही है ना। पर हमेशा क्वेश्चन दिल में हमेशा कभी ना कभी हर इंसान के आया होगा कि अगर नॉन वायलेंस से अगर इंडिपेंडेंस मिलती तो क्वेश्चन ये आता है हर बारी दिमाग में, मैं ये कहूंगी कि भाई जब उनको ब्रिटिशर्स को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, हम कुछ उनको नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे, तो वो क्या वो बड़े वो अच्छे कि उनको अपनी गिल्ट फीलिंग आ गई और उस वजह से वो चले जाएंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। किसके होएगा यार, एक ऑर्गेनाइजेशन है इतनी बड़ी, एक इंसान हो तो भी समझ में आता है कि हाँ उसको उसका जो है ना जमीर जाग गया, पर वो ऐसे लोग वो कहाँ उनका जमीर, ये तो डर की वजह से ही कोई निकलेगा ना। नहीं देखिए, दोनों चीजों में पावर है, है तो पावर पर ज्यादा किस वजह से हुआ। ट्रूली पॉइंट ये नहीं है किस पाथ में कितनी पावर है, पॉइंट ये है कि अंग्रेज क्यों गए। अंग्रेज इसलिए गए क्योंकि मिस्टर बोस ने जो भी किया था उसकी वजह से, अब उनको दिखा कि आर्मी पूरी कन्वर्ट होने वाली है, जरा वो लोग जरा से लोग थे कंपेयर टू इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी जो थी पूरी भरी हुई थी, वो लोग तो जरा से थे, पूरी रैंक्स नीचे जाके इंडियंस के सारे जितने भी सोल्जर्स हैं वो अगर अगर मिस्टर बोस के साथ आ जाएं तो ये क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उनको पता लग गया था कि अब टाइम आ गया निकलने का, नहीं तो मरेंगे हम, सबकी जान जाए, बिल्कुल ये पॉइंट था। मगर दूसरे में भी गांधी जी के भी मेथोडोलॉजी में दम है, मान लो उन्होंने जो भी रूल बनाए अगर वास्ट मेजोरिटी जनता उस रूल को मानती नहीं तो क्या तुम कंट्रोल कर लोगे। जो भी रूल बनाए, अगर बोले भी दुकानें सुबह 8 बजे खुलनी है और रात के 8 बजे बंद होंगी, आप नहीं खोलते दुकान, अगला बंदा क्या कर लेगा। या आप सुबह सुबह खोल देते हो 6 बजे, रात के 1 बजे बंद करते हो, अगला बंदा क्या कर लेगा। तो बेसिकली डिसओबीडियंस में भी पावर है कि आप सिंपली नहीं मानते जो तुम बोल रहे हो, नहीं मानते, क्या कर लोगे, वो भी एक तरीका है। और दूसरा ये है कि उनकी जान जब खतरे में हुई तब भागे, निकलता तो बंदा तभी है जब उसकी जान पे बनती है, वही अल्टीमेटली वही है। तो काफी अच्छा है, और मेरे ख्याल से इसके लिए मोदी जी को, अभी एक मोदी जी की गवर्नमेंट है, उनको हिस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी, तो रहे हैं कोशिश तो कर रहे हैं वो, इस पे डिबेट ही ना हो। देखो मैं नई जनरेशन आए बोले कि डिबेट की बात नहीं है, हमारी हिस्ट्री बुक में लिखा था मिस्टर बोस ही मेन रीजन थे जिससे हमारा देश आजाद हुआ, और इंडिया गेट के पास जाके देख लो। मेरे ख्याल से मोदी जी एकदम से ऐसी बात नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत लोग उसके खिलाफ खड़े हो, क्योंकि बचपन से हमें अंदर जैसे हमें है, हमें भी बोलते हुए होता है कि भाई पता नहीं, क्योंकि इतना सुना हुआ है कि गांधी जी के लिए इतनी रिस्पेक्ट है कि मुझे भी घबराहट होती है बोलते हुए या ये कहते हुए, नहीं गांधी जी ने तो कुछ किया, कुछ नहीं किया, वो मैं नहीं बोल सकती। मैं कहूंगी उनका कंट्रीब्यूशन है, पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो उन्होंने किया उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है क्योंकि वो अपनी जान देने को तैयार थे। पर मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी वो आइडो वो थिंकिंग धीरे धीरे ला रहे हैं, और कैसे, जैसे वो जो स्टैचू उन्होंने किया उनका लगाया है, वो उनका पहला एक सर्वे है बताने का कि हाउ इम्पोर्टेंट सुभाष चंद्र बोस नेताजी वॉज इन गेटिंग हमें इंडिपेंडेंस, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब एकदम से बोल दें, ऐसे तो बोल नहीं सकते ना, नहीं जी नेताजी नहीं किया था, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन कम था, ऐसे तो कोई नहीं बोल सकता ना। तो वो धीरे धीरे उनको वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और धीरे धीरे वो चेंजेस लाएंगे, जैसे नाम चेंज धीरे धीरे कर रहे हैं ना, वैसे ही वो ये चेंजेस लाएंगे और सारी कंट्री को सच्चाई चेंज होगा। बुक्स में के साथ में डॉक्यूमेंटेशन रखिए कि इसने ये कहा था, उसने ये कहा था, ये उसकी फिल्म पढ़ी है, डॉक्यूमेंट्री, वही जो कह रहे थे ना कि बोला था कि भैया जब पूछा गया क्वेश्चन तो कि भैया आप क्यों गए या कि आप क्या रीजन था, तो उन्होंने बोला कि भैया हम लोग जो है नेताजी की वजह से गए हैं। मैं कह रही हूँ जरूर उसकी कोई रील होगी या कुछ होगा, वो सोशल मीडिया में आना चाहिए ताकि सबको पता चले, कोई फिल्म को उस समय किसी ने डॉक्यूमेंट किया हो, कुछ लिखा हो, वो सब होगा, होना चाहिए। और अच्छी बात है कि मोदी जी सब चेंज कर रहे हैं, रियलिटी सामने लेके आ रहे हैं कि नॉन वायलेंस ठीक है, अच्छी बात है, मगर एक्चुअली वो क्यों छोड़ के गए, वो नॉन वायलेंस की वजह से नहीं छोड़ के गए थे, उनको तकलीफ ये थी कि उनकी जान जाएगी, बिल्कुल वो ठीक है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नॉन वायलेंस से कंट्रोल नहीं, उनको दिख रहा है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जहां मारपीट के कर लिया छोटा मोटा, वो कोशिश कर रहे थे इसे कैसे तोड़े, मगर जब दिखा जान खतरे में तब भागे। वो तो है, उसका तो कोई डाउट ही नहीं हो सकता, जान पे जब बनी है तभी वो निकले, नहीं तो वो कभी ना निकलते, नहीं तो इतने सालों तक उनका कुछ हुआ ही नहीं, उनको एकदम से कैसे हुआ, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब तो काम खत्म हमारा। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही। Till then, take care and bye-bye. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।